अक्टूबर में प्रसारित मन की बात के संस्करण में प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता पर जोर दिया और देश के तमाम हिस्सों में इसे लेकर हो रहे अभिनव प्रयासों का जिक्र किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में रहने वाले सुरेश कुमार, प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा इनका जुनून है। 20 साल पहले सहकार नगर के जंगल को हरा भरा करने की मुहिम शुरू की थी और आज क्या हालात है ये देखिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में रहने वाले सुकेश कुमार, प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा इनका जुनून है। 20 साल पहले सहकार नगर के जंगल को हरा भरा करने की मुहिम शुरू की। तमाम मुश्किलों के बावजूद 20 साल पहले लगाए गए पौधे आज 40-40 फीट ऊंचे पेड़ बन चुके हैं। साथ ही कन्नड़ भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सहकार नगर में एक बस शेल्टर भी बनाया है। वो सैकड़ों लोगों को कन्नड़ में लिखी ब्रास प्लेट भी भेंट कर चुके हैं। इकोलॉजी और कल्चर दोनों साथ साथ आगे बढ़ाने की मुहिम रंग ला रही है। मैं देवनहल्ली में हरियाली के बीच पला बढ़ा हूँ। मैंने रेलवे ट्रैक पर एक हरा आवरण बनाने का फैसला किया। अधिकारियों ने मेरे साथ सहयोग किया, इसलिए मैंने 2008 में रेलवे ट्रैक के किनारे 2000 से अधिक पौधे लगाए। आज आप रेलवे ट्रैक के किनारे महोगनी, जकारांद्रा, तबेबुया, जामुन, नीम के अच्छी तरह से उगे हुए पेड़ देख सकते हैं।